नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकाहो के साथ आज नई दिल्ली में भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की कोविड रोधी कठोर नीति के विरोध में चीन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में सम्पन्न होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में क्रोएशिया से हारकर कनाडा प्रतियोगिता से बाहर, और स्पेन और जर्मनी के बीच मैच ड्रॉ रहा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। प्रचार में 2 दिन शेष हैं। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालीताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में रैली करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी 4 जगह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन करेंगे और मेहसाणा और अहमदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। देश में पहली बार लोगों को अधिक संख्या में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जूनागढ़ जिले में स्वास्थ्य बूथ और पशु बूथ भी बनाए गए हैं। जूनागढ़ के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी रचित राज ने आकाशवाणी को बताया कि जिले की 5 विधानसभा सीटों में ऐसे एक एक बूथ लगाए गए हैं। हेल्थ बूथ में लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे और हम उनका हेल्थ का प्रॉपर चेकअप, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, जो भी उनका हेल्थ में नीडेड है, विल डू दैट। इसमें से क्या होगा फायदा हमें कि लोगों में एक तो हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और दूसरा वोटिंग परसेंटेज पे भी हमारा टारगेट है। एनिमल बूथ ये भी देश में पहली बार है। बेसिकली जूनागढ़ एग्रीरियन इकोनॉमी है, लोग अपने घर में जानवरों को पालते हैं, तो लोग जब वोट देने आएंगे तो अपने जानवर को भी लेकर आए और हम उनके जानवर का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन सब चीज करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकाहो के साथ आज नई दिल्ली में 4थे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्री रक्षा संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप औद्योगिक और प्रौद्योगिक साझेदारी सहित विस्तृत विषयों पर बातचीत करेंगे। श्री लेकाहो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति सहित आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे और आतंकवाद से लड़ने के लिए नजदीकी सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत करेंगे। श्री लेकाहो राष्ट्रीय समर स्मारक भी जाएंगे और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैन्य टुकड़ियों के बीच प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। ये अभ्यास 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। दोनों देशों की सेनाओं की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है। अभ्यास का लक्ष्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान प्रदान करना और समन्वय की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। चीन में कोविड रोधी कड़े प्रतिबंधों को लेकर कल रात शंघाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुए। राष्ट्रपति शी जिनफिंग की कोविड रोकथाम की कठोर नीति और लॉकडाउन से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। वे सख्त प्रतिबंधों का विरोध कर रहे थे। उरुमकी में हुई गोलीबारी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। पेचिंग में सैकड़ों युवा एकत्र हुए जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एक दशक से सत्ता संभालने के बाद श्री जिनफिंग के खिलाफ नागरिकों का ये विरोध प्रदर्शन अभूतपूर्व है। एक रिपोर्ट।
राजधानी पेइचिंग में कल रात सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने पिछले 3 साल से जारी कोविड प्रतिबंधों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की सेंसरशिप नीति पर असंतोष व्यक्त किया। नारेबाजी के बीच उन्होंने शंघाई में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की। अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए, आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समारोह में उपस्थित रहेंगे। इफ्फी के निदेशक रविंदर भाकर ने कहा कि अक्षय कुमार, आशा पारेख और आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियां समापन समारोह में शामिल होंगी। कई सारे नामी कलाकार इस दौरान रहेंगे। इस हिसाब से अक्षय कुमार जी ने कंफर्म किया है, मानुषी चिल्लर हैं, ईशा गुप्ता है, राणा दगुबती है, चिरंजीवी साहब जो इंडियन फिल्म पर्सनलिटी से नवाजा जाएगा वो भी रहेंगे, आशा पारेख जी भी हैं वो भी रहेंगी, और कई सितारे और हैं, आयुष्मान खुराना भी आ रहे हैं, आनंद राय जी हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं। कल्चर एक्टिविटीज में गोवा का कल्चर ट्रूप परफॉर्मेंस है, नॉर्थ ईस्ट से पेपॉन जो सिंगर हैं वो भी रहेंगे, शलमली जी हैं, और उसके अलावा एक प्रिंस ट्रूप जो है उनका डांस परफॉर्मेंस भी है। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में वर्ष 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। करजिस्तोफ जानुसी द्वारा निर्देशित पोलैंड के फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए दिए जाएंगे। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय 1965 में प्रमुख शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और वर्ष 2002 में शिल्प गुरु पुरस्कार शुरू किया था। ये पुरस्कार हस्तशिल्प के क्षेत्र में देश की समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण में विशेष योगदान करने वाले शिल्पकारों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कोविड महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों का पुरस्कार एक साथ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम दी है उससे वसुधैव कुटुम्बकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। भारत की महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वे अध्यक्ष पद के एकमात्र उम्मीदवार हैं।
पीटी उषा ने कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन नामांकन किया। पीटी उषा कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांतपाल। विश्व कप फुटबॉल में कल ग्रुप ई में स्पेन और जर्मनी के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। पहले हाफ तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। 62वें मिनट में अल्वारो मोराटा ने गोल कर स्पेन को बढ़त दिला दी। 83वें मिनट में निकलास फलक्रुक ने जर्मनी के लिए बराबरी का गोल दागा। जर्मनी के लिए पहला विश्व कप है जिसमें वो ग्रुप स्टेज के पहले दो मुकाबलों में से एक भी नहीं जीत पाया है। नॉकआउट में पहुंचने की संभावनाओं के लिए जर्मनी को अब अपने अंतिम मैच में कोस्टा रिका को हराना ही होगा। कोस्टा रिका ने कल जापान को 1-0 से हराया। ग्रुप एफ में कल क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से हरा दिया। इस जीत से क्रोएशिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर आ गया है जबकि कनाडा नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो गया है। कल ही ग्रुप एफ में मोरक्को ने उलटफेर में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम पर 2-0 की जीत दर्ज की। मोरक्को की 1998 के बाद विश्व कप में ये पहली और कुल तीसरी जीत है। मोरक्को ग्रुप में दूसरे स्थान पर आ गया है। बेल्जियम तीसरे स्थान पर है और उसे नॉकआउट में पहुंचने के लिए अगले मैच में क्रोएशिया पर जीत दर्ज करनी ही होगी। विश्व कप में आज 3:30 बजे कैमरून का मुकाबला सर्बिया से और शाम 6:30 बजे दक्षिण कोरिया का मुकाबला घाना से होगा। रात 9:30 बजे 5 बार के चैंपियन ब्राजील का मुकाबला स्विट्जरलैंड से और देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल और उरुग्वे आमने सामने होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता विशेषज्ञ से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया लाभ और डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड से संबंधित प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-23-71-7106 और 011-23-31-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जिनपिंग गद्दी छोड़ो चीन में गूंजे नारे, बार बार लॉकडाउन से बढ़ी नाराजगी। राजस्थान पत्रिका का कहना है, चीन में कोरोना विस्फोट से भारत अलर्ट पर, कुछ जगह रिपोर्ट जरूरी। पोर्ट ब्लेयर और लेह की यात्रा करने वालों पर नजर। उधर दैनिक भास्कर का कहना है, जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता बागी, पूरा विपक्ष जेल में, यूक्रेन में मार्शल लॉ, सोशल मीडिया पर पाबंदी और पानी बिजली कटौती से लोग परेशान, कई शहरों में लोगों के प्रदर्शन, धन कुबेरों की संपत्ति 69% तक जब्त, सभी प्राइवेट टीवी चैनलों पर सरकार का कब्जा। प्रस्तावित डाटा संरक्षण कानून पर आश्वासन शीर्षक से हिन्दुस्तान का कहना है, विधेयक से नागरिकों की निजता का हनन नहीं। राजस्थान पत्रिका का कहना है, साइबर हमले की खबर देते हुए लिखा है, हैकिंग के बाद व्हाट्सएप के 48,70,00,000 यूजर्स के डेटा को बिक्री के लिए डाला, भारत के 61,62,000 यूजर्स बने निशाना, मेटा ने साधी चुप्पी। दैनिक जागरण का कहना है, कश्मीर घाटी में आतंक की कमर टूटी, घाटी के 3 जिलों बांदीपुरा, कुपवाड़ा और गांदरबल में अब एक भी आतंकवादी नहीं, अगले 2 वर्ष में कश्मीर से सभी आतंकियों का सफाया करने का पुलिस ने किया दावा। तैयारी शीर्षक से हिंदुस्तान का कहना है, 1,000 से अधिक स्टार्टअप मोटे अनाज के उत्पाद तैयार करेंगे, हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान स्टार्टअप को कर रहा है प्रोत्साहित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकाहो के साथ आज नई दिल्ली में भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की कोविड रोधी कठोर नीति के विरोध में चीन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में क्रोएशिया से हारकर कनाडा प्रतियोगिता से बाहर और स्पेन और जर्मनी के बीच मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।